ये आप लोग लड़ो नहीं एक तो आपस में प्रेम आपदा का हम तो सवाल पूछ के चले जाएंगे। तो सवाल पूछे बाबा साहब नहीं, ये आप जंगली सुअर का क्या बता रहे थे? जंगली सुअर गांव कौन सा अपना? दर्शना दर्शना जी। आप जंगली सुअर का क्या बता रहे थे? जंगली सुअर है, आवारा पशु है, ये घूमते रहते हैं खेती में, दिक्कत खेती में, खेती बाड़ी को नुकसान करते हैं, खाते हैं खेती बाड़ी को, आलू कर लो, बाजरा हमारा, गेहूं है, तो झुंड में आते हैं, झुंड में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ बनरोज नीलगाय बहुत है। हाँ, नीलगाय हमारे यहाँ पर भी है, नीलगाय से डर नहीं है हमें, उनसे डर नहीं लगता, नीलगाय से इनसे दिक्कत नहीं है, पशुओं से कोई दिक्कत नहीं है। नीलगाय 50-50 की तालाब में है। उपचार क्या है उसका, क्या किया जाए? वन विभाग की टीम को भेजा जाए यहाँ पे, वन विभाग की टीम को भेजा जाए, उनको पकड़वा जाए, उनको अंजाम किया जाए। वन विभाग की टीम कैसे पकड़ेगी? ये देखो, ये चाचा कुछ बता रहे हैं। हाँ, अब तो हम लोग किसानों ने कांटेदार ताला लगा रखे, हमने रखवाली स्वयं कर रहा है, करंट जो है कोई न बने वाला है, झटका वाला लाए, कुछ झटका है, झटका वाले लाए, एक आध किसान यूज किया है। अरे तो बताने तो दीजिए, क्यों आप सब अपनी बात करवा रहे हैं? झटके वाला ताल लगाने से फिर सुअर नहीं आता? नहीं आवे वो, उतने फिर नहीं आएगा वो, एक एक बार झटका लगा फिर नहीं आवे वो, फिर नहीं आवे वो। उसका खर्चा बहुत है। खर्चा कितना खर्चा है? जैसे मान लो अपने यहाँ कच्चा बीघा चलता है, एक एकड़ में कितना बीघा है? एक एकड़ में 5 बीघा हमारे यहाँ 500-500 बीघा एक एकड़ में, 500 रुपया खर्चा है एकड़ में, एक एकड़ में कितने खर्चा है? एक एकड़ में आएगा 2500-2500 रुपये तार लगाने का खर्चा, और फिर मशीन आएगी उसकी 5-5.5 हज़ार की, बैटरी लगा दी। हाँ, ये बता, वाली जो बैटरी होती है ना, हाँ, उसको चिमटी लगा देते हैं उस तार में, हाँ, तो उसमें हल्का हल्का झनझन करके, जैसे नेगेटिव करंट की टाइप में उसमें करंट रहता है, तो उससे अगर छिप जाएगा तो थोड़ा सा हल्का सा वो उसको टच करता है ना, तो चिरचिर करता है वो, आवाज करता है चिरचिर, उस आवाज से ही पशु हट जाता है, हल्का सा झटका लगता है, जैसे हम अर्थ का तार पकड़ लेते हैं ना, ऐसे हल्का झटका मिलता है, वही है, पर इससे बस खेत की लागत थोड़ी बढ़ जाती है, वरना ये सुअर क्या खा जाते हैं? आलू आलू सब खा जाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बाजरे की खेती हो, गेहूं हो, पशुओं के लिए हरा चारा कर लो उसको भी खाते हैं, आलू हो, जो कुछ भी हो उसको सबको खाते हैं। क्या कहते हैं? अपनी कटाई की, जैसे बाजरे की भुट्टा आता है, हाँ, उसको काट के और इकट्ठा करके रखे आया, हाँ, जंगली सुअर रात को आए उस भुट्टे पे अपना, उन्होंने अटैक किया और उसको सबको खा गए, सुबह किसान पहुंचा तो आधी आधी छूच छूच उसको मिली और ढेर उसका खत्म हो गया। ऐसे ही ये हैं जो पशु छोड़ रखे हैं, गाय है, जिले में पूरे में गाय वगैरह हैं, ये है, ये आए काफी जगह, अगर इनको बिगाड़ने की कोशिश करो तो प्रशासन भी रोड की साइड लेके जा रहे हैं, भाई खेती हमको बचानी है, लेके जा रहे हैं, तो प्रशासन वाले कहते हैं कहाँ लेके जा रहे हो भैया, इनको उधर करने जा रहे हैं, हाँकने जा रहे हैं, बोले ऐसा है हाँकने जा रहे हो, गाड़ी में बैठो और थाने चलो, आप इनको क्यों लेके जा रही हो, कैसा खेती का नुकसान कर रही है, क्या करें हम, क्या तो हमको कॉल करो, उनको कॉल करो तो वो नहीं आती हैं, किसी किसी पे अटैक भी कर देते हैं, भाई साढ़ है हो गया आवारा, अटैक कर दिया, पशु से बड़ी दिक्कत है, फाड़ दिया, अब रात को खूब आराम से आप देख सकते हो, थोड़े आगे चल के कम 20 लग रहे होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, उनको निकालेंगे हम रोड पे लेके आएंगे तो पुलिस वाले हमको परेशान करेंगे, अब तो सीधा फंडा रहता है उनका, कहने की नाम बताओ कौन कौन थे रात में, सुबह ही आ जाएंगे। अच्छा, रोड पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी टूट गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम इनको ऐसे लेके जा रही हो, सर्दियों में गेहूं करते हैं हम तो उनको निकालते हैं अपने खेतों से, अदरवाइज कैसे भी पशु से कोई टकरा जाए बाइक वाला तो उसका भुगतान अब किसान करेगा पुलिस वालों के लिए यहाँ पे, इस वजह से हम अपने खेतों से पशु भी नहीं निकाल पाते अच्छी तरह से, वहीं बैठे रहे, नहीं बाहर जाएंगे तो, और दो दो बजे से तीन क्या कर रहे हैं, खाना खाने दो, क्या कर रहे हैं, फिर बात जिसके अपने खेत में आ रहा है वो अपने खेत से हटा सकता है, बस बस कहीं दूसरे गेम चला जाए, उसे कोई मतलब नहीं, अपने को निकाल सकता है, रोड पे ला नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग देख रहे थे कि गांव-गांव में गौशालाएं खुल गई हैं, सर इसका एक ही रीजन है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हर ग्राम पंचायत को गौशाला दी है, मगर उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि प्रधान को ये होता है प्रधान के ऊपर, प्रधानों ने सिर्फ उसके गड्ढे खुदवा दिए गए, गड्ढे खुदवा दिए मतलब साइट्स में जो जगह है ग्राम समाज की जमीन है और पास से एक इतना इतना गड्ढा खुदवा दिया है, हाँ जेसीबी से,
एक्चुअली क्या है, यहाँ की गौशाला की इतनी हालत खराब है कि हर गौशाला में पर डे एक दो गाय मरती है, क्योंकि वो जो गौचारे थे ना उसमें गौशाला बना दी गई है और उसी में उनको छोड़ दिया गया है। धूप पड़ रही है, ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर इधर देखोगे क्षेत्र में गौशाला जहां जहां बनी है तो ये स्थिति है। हमारे यहाँ एक गौचारा है, वहां पे भी यही काम हुआ है कि उसको चार दर्शना गांव में जो चारों तरफ से खोल दिया गया। आप देखोगे तो ये कहेंगे कि पशु तो वैसे ही निकल जाएगा इसको फलांग के। ऐसी ऐसी गौशाला है हमारे यहाँ और प्रधानों को पैसा आ रहा है गौशाला में, पहले से ही आ रखा है, पहले खा चुके हैं। और यहाँ तो डीएम साहब, एसडीएम साहब सब टोटल यहाँ कलेक्टर बैठते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होता है सड़क पे। उधर मारने को जाते हैं डीएम साहब की साइड करने जाते हैं, उधर से भ्रष्टाचार। ये जाओगे तो पटरी के पास एक एक कहां दिखाई देगा। हां ये पटरी के पास जो लेन लगी हुई है इस तरफ, आप उस तरफ देखोगे मेरे खेत के सामने होकर निकल रही है। चोर आए उसको काट लेंगे, मुझे पता नहीं चला। एक एक पहले बात सुन, हां मुझे पता नहीं चला कब ले गए पुलिस वालों ने, मुझे एक महीने परेशान किया था। मेरे पास जेल आते थे खेत में, तू बता किसने ले कौन ले गया। कटिंग आप क्या हुई? नहीं सर, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं, गवर्नमेंट की चीज थी। हां उसको लेके रात को काट गया। तू रहता अपने पास खेत पे गेहूं में, तू बता तेरे सामने कटी होगी कौन ले गया। अब पुलिस वालों को क्या जवाब दूं? रोज हाथ जोड़ के नमस्ते करता था मैं उनसे, बाबूजी मुझे नहीं पता, बाबूजी मुझे नहीं पता। एक महीने परेशान किया था मुझे। फिर कैसे निपटा? निपटा का सर मैं अपने घर बैठ गया था। 3 बीघा गेहूँ मेरे साथ, 7 घंटे हुए थे 3 बीघा जमीन में। इतना कम पशु खा गए। फिर आवारा पशु डर की वजह से मैं गया नहीं फिर अपने खेत में। कुछ कप्तान अप्तान से कहा नहीं कि ये कोई सुनवाई नहीं करता। हाँ, एक बार डीएम साहब के पास हमारे पूरे गांव के पूरी पंचायत के पहुंचे थे। कब की बात है ये? करीब एक साल के करीब। पिछले डीएम थे एडीएम थे? नहीं पिछले डीएम। तो डीएम साहब से हमने कहा तो डीएम साहब ने बड़ा भावुक के शब्द कहा हमसे। क्या समस्या क्या थी आपकी? ये मुझे पशुओं की, गाय और भैंस ये जो घूम रहे हैं सांड, इनकी भाई इनका कोई इंतजाम किया जाए। खुद मैं फसल करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, वास्तु नष्ट ही कर दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर चंद्रवीर सिंह चौधरी। चंद्रवीर सिंह चौधरी। हाँ जी। तो डीएम साहब ने बड़ा भावुक होकर जवाब दिया, शांत बैठे रहे। तो थोड़ी देर बाद बोले कि आप गाय रखते हो किसानों से जो सामने बैठे थे, भैंस रखते हो, बैल रखते हो, यहाँ सब रखते, क्या आप एक काम करो भैंस को छोड़ दो और दिखा दो। पीने के बाद गाय छोड़ते? हाँ, जैसे आपने दूध पिया भैंस का, वो उसका गाय का, और गाय छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, ग्यावन नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो, तो ऐसे करके भैंस को छोड़ दो। तो मैं सोचूंगा भैंस नहीं छोड़ते लोग। भैंस कहाँ, भैंस तो कटती कट जाती है। ये भी भैंस कट जाती है, ये भी समस्या हम लोगों से पैदा है। कैसे हम लोगों से पैदा है? गाय पकड़ ली, सागी है, दूध पिया, दूध पीने के बाद छोड़ दी और सेवा नहीं की बूढ़े से। और डीएम साहब ने ये भाई ये जो सड़कों पे गाय घूम रही है लोगों ने ही छोड़ी है ना, हम लोग की समस्या है। और डीएम साहब का ये सत्य जवाब था, कोई गलत नहीं उनका। अब इसमें सरकार क्या करे? भाई सड़क पे एक भी छुट्टा भैंस नहीं दिखती। नहीं भैंस को छोड़ो ना, आपको कोई मिलेगी नहीं। इसमें डीएम एसपी सरकार क्या करे? क्या करे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी क्या करे? इसमें गाय का दूध हम पी रहे हैं और दूध नहीं दे तो हमें छोड़ दिया। हाँ ये क्या बता रहे सर? परसों मोबाइल भाई मोबाइल सब है। मोटसान से लेके, क्या नाम है आपका? महेश कौशिक है मेरा नाम। मोटसान से लेके कलेक्ट्रेट तक कोई भी गाय एक्सीडेंट खाती है, बट हम ही उसको उसका व्यवस्थित करवाते हैं। देखो आप परसों की डीएम साहब के यहाँ नाइट में एक्सीडेंट हुआ है, 2 दिन तक गाय पड़ी रही थी जस्ट डीएम ऑफिस के सामने। उसकी मेरे पास फोटो भी है और वीडियो भी है। देखो ये साढ़े बीच रोड पे पड़ा है। हाँ। ये कौन खड़े हुए नेताजी पीछे? नेताजी नहीं, ये शिवशंकर गुलाटी जी हैं आतरस के। हाँ। ये मेरा है। हाँ। ये हर्ष भाई है आतरस के। हाँ। ये देखो साढ़ को, फिर ये इसको गोवर्धन पे गोवर्धन भिजवाया गया। ये देखो यहाँ से क्रेन भी मंगाई थी। ये देखो ये जख्मी है या? ये जख्मी हालत में 2 दिन तक पड़ा रहा, मगर कोई अधिकारी यहाँ दिक्कत नहीं, ये स्थिति है। तो एक तो ये जानवरों की दिक्कत बहुत है गांव में खेती की, बिजली की क्या दिक्कत है? बिजली कोई दिक्कत है या सब ठीक है? बिजली सर, बिजली की बता तो रहे हैं गांव में तो ठीक है, बिजली 18 घंटा मिल रही है। हाँ, लेकिन ट्यूबवेल की जो सुबह 6 बजे से लाइट आती है और दोपहर में 2 बजे कट हो जाती है, उसके बाद में एक भी फेस नहीं मिलता हमें, ताकि हम अपनी ट्यूबवेल पे जाके एक बल्ब लगा के वहाँ रोशनी में अपने पशु रखा सकें बैठ के। सुबह 6 बजे ही आएगी 2 बजे की कटी हुई लाइट।
ये परेशानी हमारे लिए कुल मिला के पशुओं से नहीं नहीं पशु की तो बात हो गई, दूसरा ये बिजली की जो बता रहे थे, एक भी फेस एक फेस तो आता रहे कम से कम, इससे की लाइट जला के हम अपने ट्यूबवेल पर बैठे तो रहे रोशनी करके। बिल वगैरह गांव में बिजली का बिल तो सर बहुत हैवी है हमारे यहाँ पे, बहुत हैवी है, 2300 रुपये बहुत हैवी है, 2300 रुपये महीने तो ट्यूबवेल का आ रहा था। ट्यूबवेल में तो इस्तेमाल होती होगी बिजली का, 2300 रुपये महीना। प्रक्रिया अपना रखी है जैसे न्यू कनेक्शन लेते हैं, न्यू कनेक्शन जो हम ले रहे हैं उस पर ये मीटर लागू कर रही है, जब आप मीटर लागू कर रहे हैं तो उस मीटर की रीडिंग से बिल लेना चाहिए, मीटर लगा जाते हैं लेकिन बिल वही आ रहा है 2300 रुपये, हो सकता है कि हमारी 85 यूनिट बने तो फिर बिल उस हिसाब से लेना चाहिए, क्लियर करके नहीं दे रहे, बोले सरकार से आपके लिए ये लगाया जा रहा है तो आप इसको इस्तेमाल करो, अब तक का जो बिल चल रहा है अमूमन उसको आप भरिए और जब मीटर से रीडिंग सबके लग जाएगी तब देंगे, तो फिर मीटर आप किस लिए लगवा रही हो भाई, मीटर किस लिए लगा रही हो आप, फिक्स चार्ज चल रहा है, हाँ जी, चार्ज फिक्स, है जो फिक्स, जितना यूनिट का हो गया, हाँ जी, या तो आप मीटर लगा रहे हो तो फिर मीटर से बिल लीजिए और नहीं तो फिर फिक्स ले लीजिए, उसको किसान को क्यों, और किसान से 5000 रुपए और मीटर के चाहिए, जब बिजली का बिल का पूरा भुगतान हमने आपको कर दिया, हमारा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी इस्टीमेट बैठा उसमें सामान भी नहीं मिल रहा, कभी लट्ठे मिल गए तो कभी इंगल मिल गई, कभी कुछ मिल गया, 1.5 महीना हो गया हमको कनेक्शन कराए हुए, ट्यूबवेल का कनेक्शन के लिए फुल कॉस्ट कितना, कुल कॉस्ट है क्या, नाम है आपका, रोहित कुमार शर्मा, रोहित, हाँ कितना कॉस्ट अभी कराया था मैंने, 3 लट्ठे का कनेक्शन है मेरा, 3 लट्ठे मतलब 3 पाइप, एक जोड़ा और एक खम्भा बीच में, हाँ इतना बड़ा कनेक्शन है, उसमें 2.25 लाख रुपए खर्च हुआ हमारा अपना खुद का, क्या फायदा किसान ने, ये 2.25 लाख जो खर्च हुआ वो पूरा बिल वाला हुआ या कुछ ऊपर पट्टी भी लगा, बिल है सर, बिल है हमारे पास, बिल है, पहले तो नहीं होता था, पहले ये पहले कहाँ फुल कॉस्ट होती थी, पहले कॉस्ट वैसे वगैरह नहीं होती, पहले सब्सिडी मिलती थी, हाँ कनेक्शन के लिए कुछ नहीं होता था, किसान के लिए फ्री कनेक्शन थे, अब तो किसान को कनेक्शन भी लेना है ट्यूबवेल के लिए तो पैसे जमा करो पहले, कनेक्शन ही नहीं है, 2-3 महीने का बिल बकाया हो जाए जेई वगैरह आके छापा मारते हैं सब लोग, काट देते हैं सर मेरा, ये समस्या तो है कि फसल जब तैयार होगी ना तो साहब और चल जाने, 4 दिन हम बिल जमा कर देंगे, कुछ नहीं कनेक्शन काटो इनका और वो करो, आ जाना वहाँ पे, फिर हमारे को चाय पानी देना और उसके बाद कितना चाय पानी मांगते हैं, जो भी मांग ले वो 50,000 40,000 जो भी मांगेंगे, पिछली बार तो मेरा कनेक्शन कट गया था, मैंने अपनी तार लगवाई थी, जब मैं ट्यूबवेल अपनी रात को चलाता था तो मैं 500 रुपये बिजली कर दे के आता था, तब मेरी ट्यूबवेल चलती थी रात को, अच्छा कनेक्शन कट हुआ, 500 किसके पास जाता था, लाइन मैन जेई किसके पास जाता था सर, मैं तो वहाँ दे के आता था, या हमारा मोटा या कलेक्टेड फीडर है, हाँ फीडर वाले को, हाँ जी रात को चलाता था सर, एक मैंने किसान उबल से अपने घर के लिए समर लगवा ली थी, मेरा ट्यूबवेल का कनेक्शन था, वहाँ से लाइट डाल के लेके आया था मैं अपने लिए, अपनी छोटी समर थी मेरी, उसके लिए मेरे को मेरी समर पकड़ ली, 20,000 रुपये जमा उन्होंने लिया था मेरे से यहाँ कनेक्टर, करप्शन घुसा हुआ है, ये घर की सी बात है, घर की सी बात हो गई, चाहे बीजेपी आ जाओ चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे सपा आ जाओ, ये तो भ्रष्टाचार तो घर खत्म होगा, करप्शन नहीं खत्म हो सकता, ये तो चलेगा, कोई तरीका नहीं इसका, हाँ तरीका है, क्या है तरीका, ये है सरकार ये करे कि जो कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया, हाँ नौकरी दी ही नहीं जाए, सुन रहे हैं आजकल के हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बताते हैं ये किया है कि बलात्कार अगर दोषी पाया जाता है तो सीधी फांसी, ऐसे ही इस करप्शन के लिए रोकने के लिए सीधा है, अगर कोई दोषी पाया जाता है सीधी नौकरी खत्म, नौकरी खत्म हो सकती है, आम रिश्वत ली जाती है अब भी, आप किसी डिपार्टमेंट पे आप चले जाइए, आपको अगर कोई काम कराना है तो पैसे दो, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आपकी कार्रवाई नहीं, फिर उससे ऊपर के अधिकारी पे जाओ तो वो मांगेगा, उससे ऊपर पे जाओ तो वो मांगेगा, अब हम मोदी योगी से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, हमारी इतनी पावर तो है नहीं कि हम उनके पास जाएं, अगर हम वीडियो वगैरह बनाना चाहें तो तुरंत दाब देंगे और हमको महीनों परेशान करेंगे, ऐसा कुछ ये, जैसे अभी योगी सरकार है 4.5 साल से, पहले अखिलेश सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें भी था, उसमें भी था, उसके पहले मायावती की सरकार उसमें भी था, उसमें भी था, मतलब सब सरकारों में सब सरकारों में चल रहा है, इसमें थोड़ा नॉर्मल जरूर हुआ है लेकिन चल अब भी रहा है,
भ्रष्टाचार में कि ये छोटे मोटे जो पैसे होते थे, बाइक वगैरह रोक ली लाओ 500 रुपए, किसी के घर में झगड़ा हो गया लाओ 2000 रुपए पुलिस वाले, ये ऐसे ये छोटा मोटा झगड़ा तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है, अब बड़े भ्रष्टाचार रह गए ज्यादा। सिपाही जो छोटा मोटा भ्रष्टाचार अगर आप 5000 से नीचे का भ्रष्टाचार नहीं सर, ये तो खत्म जो छोटा काम था वो बड़े काम में हो गया है। आप लेखपाल के पास चले जाइए तो लेखपाल से ये कहो कि वानी साहब हमको हिस्सा प्रमाण पत्र बनाना है या हमको ये करवाना है, तो तुरंत कहेगा मैंने पहले इतना लगेगा, कितना 500,000 जो भी मांगे 500,000 इतने से कागज के 500 रुपए उनके भी पैसे चाहिए उनको, लेखपाल को। हाँ जी, आप भ्रष्टाचार करते लेखपाल। अच्छा जी, कल हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाया 500 रुपए का एक बनाया, मतलब ज्यादा 50 रुपए का कागज भी हम लेके आ रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चले जाओ तहसीलदार साहब के लिए खड़े रहे तो तहसीलदार साहब पैसे नहीं दोगे तो करेंगे। कोई भी काम कराओ किसी भी विभाग में आपके साथ जो तो उसकी सेवा नहीं जाएगी, अपनी फाइल बढ़ नहीं सकती है, सेवा नहीं जाएगी तो फाइल नहीं बढ़ेगी, वही रहेगी आपका कागज वही रहेगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर बनवाओ या लेखपाल दिखा ला, कोई भी काम करो करप्शन पे तो कोई किसी का कोई हिसाब ही नहीं। ये कैसे रुकेगा, कैसे बंद होगा लेखपाल को तो तत्काल ऊपर से आदेश हो साहब, अगर सरकार आदेश करे इसके लिए कि जो भी दोषी पाया जाए उसके लिए तुरंत प्रशासन जो है कार्रवाई करे। कमी कुछ हम लोगों की भी है कि हमारा काम हो जाए 5 से ले 6 से ले ले, हम चार दिए 8 मजबूरी में देना पड़ता है, अगर देता है काम एक-एक करके बोलिए। हां चार आप बोलिए, चार तो पैसे दिया है, पैसा है अपनी 5 से पकड़ भाई को देखो करवा ले अपन 8 लगी मजबूरी है कि बिना 5 से वो करो ना। आप क्या कह रहे हैं सर, इसकी ये मजबूरी है कि वो काम जब ही करते हैं जब पैसा मिलता है उनको रिश्वत का, उससे पहले आप जाओगे चक्कर काटते रहो, कोई भी दफ्तर हो कोई सुनवाई नहीं होती है, जहाँ रिश्वत दोगे आप नहीं। योगी जी ने सख्त आदेश कर रखे, इसका एक विचार जो भी करे उसके लिए तुम आप इसके लिए कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो तो कॉल भी नहीं उठती है, और वो ये कहते जाओ योगी के पास ही चले जाओ, तुम चले जाओ मोदी जी के पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप चले जाओ, अब हम साधारण इंसान उनके पास कैसे जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि हम डायरेक्ट बात कर सकें उनसे, ऐसी कोई भी लाइन या कोई भी वहां पे ऐसा व्यक्ति बैठाया जाए अपने उस पर जिससे कि हर आदमी कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करे। उन्होंने 1 नंबर 10 76 और वो चालू कर रखा है, उसको मिलाओ तो वो मिलता ही नहीं है, हर समय बिजी जाता है, बिजी जाता है वो, अब किससे आप बात कराओगे, फिर अधिकारी जो हमारे खून चूसते हैं बोले कर ली बात, बुला लिया योगी जी को, बुला लिया मोदी जी को, ऐसे ही अखिलेश सरकार में होता था, बुला लिया आपने जब करेंगे साइन चिड़िया मारेंगे। हाँ, रिश्वत लेने वाले को जैसे लाइन हाजिरा टर्म जटर्म जो करता है खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म, घर जा अपने देने वाला भी क्यों दे रहा है, जो 4 आदमी पैसे वाले हैं और 96 आदमी पैसे देने की स्थिति में नहीं है, 4 मोदी आए अपना कर लाए, उनको भी तो शौक मिले, क्यों दे रहे पैसे तुम्हें, तुम ये नौकरी ले रहा अपना काम कर रहा है, ये पैसे देने नहीं चाहिए आदमी। हमने कहा था कल जब हमसे लेखपाल बोले 500 रुपए लगेंगे, मैं नहीं बनवा रहा, मैं जा रहा हूँ तहसीलदार साहब के पास, मैं काफी देर खड़ा रहा गेट मैन ने मिल चुके, तहसीलदार के पास नहीं जाने दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे पे हिस्सा वैसे ही बनवाऊंगा, तू गांव तो आएगा, नहीं बनवा के लाया, बोला 1000 रुपए चाहिए 2 हिस्सा प्रमाण पत्र के, मैं नहीं दूंगा। काफी देर हमने कम से कम 10 मिनट कॉल लगाई 10 76 पे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं होती, कहाँ जाओगे आप, जब कॉल नहीं लगेगी जरूरत होगी तो आपको सर इसके पास पावर है उसका काम हो जाता है, और जो आम जनता है उसका किसी का बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है। अच्छा अच्छा चलो, ये तो गांव में एक आप लोगों ने लेखपाल ये सब चीजें बताई, बिजली बताई, आवारा पशु बताए, 3 दिक्कतें बताई, चौथा आप हमको ये बताओ, जैसे हम लोग यहाँ आए थे हाथरस में तो एक बड़ा पिछले साल आज ही के दिन है वो रेप की घटना हुई थी, बुलगड़ी वाला बुलगड़ी में हुई थी ना रेप की घटना हुई थी,
उसकी भी चर्चा होती है कुछ गांव में, सर होती है उस चर्चा तो होती है उसमें। एक्चुअली दो निर्दोष हैं, दो बिगड़ निर्दोष हैं, ऐसा भी दो निर्दोष हैं और दो दोषी हैं, दो दोष क्या है कहानी? कहानी अब ये साथ वाली जाने, मगर इसमें ये एक्चुअली दो लड़के उसमें निर्दोष हैं और दो बिगड़ निर्दोष हैं, दो बगैर निर्दोष हैं, नहीं ये हकीकत है, दो दो ही निर्दोष हैं उसमें, दो ही निर्दोष हैं। सर ऐसी बात चल रही है, उस दिन पहले आता ये कांड हुआ था 14 सितंबर को, उससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी उसी की लड़की की, तो उसमें एक लड़की का नाम लिया गया था, लड़के का जो एक जो उसका बयान हो रहा था, बयान हो रहा था अस्पताल में, हाथरस हॉस्पिटल में, वहाँ से ट्रांसफर हुई है सर। उसके बाद में चार लड़के हुए, इसमें किसी ने कुछ देखा तो नहीं है वहाँ पे जाके, लेकिन गांव में सभी लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, तो कुछ रिलेशन है वहाँ पे हमारी भूलगढ़ी में, तो वहाँ से खबर मिलती है कि फेक न्यूज जैसा फैलाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे रामवीर उपाध्याय बड़े नेता रहे, यहाँ बसपा के मंत्री वगैरह भी रहे हैं, अब उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय तो भाजपा से हो गई जिला पंचायत अध्यक्ष, बीच में भाजपा ने निकाल भी दिया था उनको जब वो चुनाव लड़ी थी, हाँ है, फिर जब अध्यक्ष जी का चुनाव आया तो फिर आ गई, जब रामवीर उपाध्याय यहाँ पे थे तब कैसा हिसाब किताब था? यहाँ से तो अभी वो अभी वही है ना विधायक बसपा से, जब जीते थे तब बसपा से थे चौधरी साहब, अभी तो निष्कासित चल रहे हैं क्या? निष्कासित है विधायक, अब भी है क्या? कुछ काम किया उन्होंने? काफी काम किया, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, और यहाँ पे एक बिजरौली पे बिजली घर हमारा बड़ा, एक एक करके चाचा पीछे क्या बोल रहे हैं सुनो। रामवीर उपाध्याय जी ने इतना बढ़िया काम किया था कि हमारी जमीन सवरी कंकरी ली दिखाई दी, और 30,000 रुपए भी यही दाम मिले, अब दीवानी के दाम वही के सारे मिले, कितने के मिले चाचा, कितने के मिले बताइए ना, क्या बता रहे हैं चौधरी साहब? ये कह रहे हैं पहले हैं उन्होंने चिड़ के रेट जो बहुत कम दिलवाए लोगों को, रामवीर उपाध्याय ने चिड़ के जमीन दिखा दी और थी उपजाऊ, सारी जमीन उपजाऊ है, क्या कलेक्ट्रेट में गई आपकी? ये गांव जो है ये कलेक्ट्रेट के बिल्कुल पास ही है, दर्शना रोड है, एक दर्शना अलग है। अच्छा ये दर्शना रोड ही बोला है, तो आप लोगों की जमीन कलेक्ट्रेट वगैरह बन गई, 30,000 रुपए दिए थे दाम मिले, 30,000 बीघा, 22,000 बीघा, 14 एकड़ की जमीन, जाटों की जमीन थी, उन लोगों से मतलब कही कि भाई हमारे हम नहीं बना ले देंगे, वो तो जाट अगर जाटों की जमीन थी और वो बसपा से विधायक थे, विधायक और बहन जी जो मुख्यमंत्री, और जाटवों की बात नहीं सुनी गई, जाटवों ने नहीं सुनी, अनशन पे बैठ गए, किसको हटा दिया गया? जाटवों को हटा दिया गया, दलित समाज की नहीं सुनी गई, नहीं लठ परे, लठ परे, ये जब 97 में घोषणा की थी जिले की तब की बात है, 2003 में है क्या? झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो रेट कम मिला, 2003 में भी हमारे एक चाचा रुआ थे, उनका पैसा आज तक नहीं हमारे परिवार के लोगों को दिया, और जब फाइल डालो दो बार में दिए, दाने में डाल देते हैं, एक बार में दिया 14 का, फिर उसके बाद दिया 8 का, 22 का मिला, तो 33,000 अब आप दीवानी में जगह गई, 33-40 लाख के मिले, अब 33-40 लाख, तो आप कह रहे हैं रामजी ने बहुत काम किया, उन्होंने दूसरी कहानी सुना दी, अब उनको उस टाइम पर बोले जलवा था, ये कह रहे हैं उस टाइम पर कमी थी, विकास तो खुद किया, बिजली का काम खुद किया उन्होंने, वो तो लेकिन वो कलेक्ट्रेट वाली जो बात थी, हमने ये सुना है कि यूपी में जो एनर्जी मिनिस्टर होता है उसकी जो विधानसभा होती है उसमें 24 घंटे लाइट आती, सही बात, 24 घंटे लाइट रहती थी, 24 घंटे लाइट रहती जब वो मंत्री थे जी। अच्छा जब तो सर ऐसा शासन था लाइट का कि अगर रात को 1 बजे लाइट नहीं आई तो फोन पर बिजली वाला 1 बजे लाइट जोड़ने के लिए आता था, यहाँ मतलब एक विधानसभा, अरे पर विधानसभा तो इतनी सारी है, अपनी जिले का है सर, पूरे अपने जिले की। अच्छा एनर्जी मिनिस्टर का जिला वीआईपी जिला आयुष जी, तो सतीश जी जो है मथुरा वाले, उनके यहाँ पे भी खुल लाइट है, यहाँ पे श्रीकांत शर्मा मथुरा अधिक है, मथुरा अधिक है भाई साहब,
कौन कह रहा है? गलत है, मथुरा में भी उतनी ही लाइट है। आप ये कह रहे हो कि अभी श्रीकांत शर्मा एनर्जी मिनिस्टर है तो मथुरा में ज्यादा लाइट, मथुरा में लाइट ज्यादा है, सिटी में, 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 इतना तो फर्क पड़ेगा भैया। हाँ देहात में तो वही पूरे सत्तर लोग और आशीष शर्मा है भाजपा के यहाँ नगर पालिका चेयरमैन है। तो अब आप अभी थोड़ी देर पहले दोनों लोगों की तारीफ कर रहे थे, बसपा की और भाजपा की, है कि एक भाजपा कैंडिडेट एक वो, तो अगर दोनों मैदान में आ गए तब आशीष शर्मा को, आशीष शर्मा को वोट मिलेगा। अच्छा, बीजेपी को मिलेगा? हाँ, किसी को वोट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उनका नगरपाल के अध्यक्ष के तौर पर काम देखा। बहुत विकास किया है आदर्श ये हम लोग यहाँ पे हाथरस से जा रहे हैं मथुरा की तरफ, तो दर्शना रोड गाँव है ये, बिल्कुल लगा हुआ है हाथरस से गाँव। तो इससे पहले हम जिस गांव में थे नगला ब्राह्मण में, वहां पे आप लोगों ने स्कूलों का हाल देखा, अगर नहीं देखा देखिए, स्कूल बना है चारों तरफ पानी भरा है, बच्चे ऐसे छपाक छपाक इतने इतने डूब के जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, बुरा हाल है। तो उसी में हम लोग भी भीग गए थे, तो ये देखिए गाड़ी में ही बैठे बैठे टी शर्ट पहन ली है, एंकरिंग की रिपोर्टिंग की तो ड्रेस नहीं है, यहाँ दर्शना रोड में गाँव वाले जुटे हुए थे और हमें बताया उन्होंने जब हम लोग यहाँ पे आए कि साहब हम लोग हैं तो भाजपा के सपोर्टर, हमका अच्छा जी फिर बात करने लगे तो तमाम बातें आने लगी कि साहब गांव में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो सारी बातचीत ही आपने देखी। तो क्या अच्छा लगता है आप लोगों को भाजपा में, आप हैं सपोर्टर जी, क्या अच्छा लगता है अभी आपने इतनी तो दिक्कतें गिनाई? सर भाजपा में हमें एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये हम लोग हिंदू हैं और ये हमारे हिंदुत्व की सम्मान करते हैं, उस वजह से हिंदू हिंदू के सम्मान की वजह से हम अपना। लेकिन अभी जैसे आप लोग इतना भ्रष्टाचार और ये सब चीजें बता रहे थे, गाय की दिक्कत सब में है, सर इसमें तो फिर सर नायक पिक्चर में जो दिखाया गया है वो प्रक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, फिर तो ऐसा कोई नायक निकल के आए जो मतलब पिक्चर वाला रोल करे, या तो मोदी जी करें या योगी जी करें कि प्रक्रिया तुरंत कॉल करें और तुरंत हेलो चल दिए, कोई ना कोई अपना आदमी भेज दिया, हाथरस से कॉल जा रही है तो हाथरस का कोई ऐसा चुनिंदा व्यक्ति चुने कि वो उनकी सुनवाई करे, सादाबाद से तो सादाबाद से सुने, ऐसा कुछ ना हो, ये जरा समझाओ दीदी हिंदुत्व से क्या तात्पर्य तुम्हारा? जैसे सर कि हमारे कुछ सुनो सुनो क्या कह रहे हैं सुन ले, हाँ कांग्रेसी नेता है हमारे, सपा के नेता है। हाँ, से पहले मैं सर देखता था कि जब चुनाव आता था इन लोगों को तभी याद आती थी हमारे हिंदुत्व की, जैसे वैष्णो देवी जाना, नगरकोट जाना, केदारनाथ जाना, चुनाव, बाकी 5 साल अपना आराम से मजे करते थे। ये हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये 5 साल मंत्री अपने आराम से सुनते रहते हैं, हम टीवी पर देखते रहते हैं कि आज मंत्री जी कि बांके बिहारी आ गए हमारे योगी जी, कभी केदारनाथ जा रहे हैं, तो इससे आपकी आस्था बढ़ती है जी, ये एक महत्वपूर्ण राम भी बहुत मंदिर बनाया है, जो राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ा हुआ लाखों लोग। तो ये जो आपका दर्शना रोड है ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है जी, सर ब्राह्मण बाहुल्य भी है, ब्राह्मण बाहुल्य है और जाट भी है, ये दो कास्ट कंपोजिशन, दलित समाज भी होगा, दलित समाज भी कम है, ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा है, ब्राह्मण और चौधरी, ब्राह्मण और चौधरी मतलब जाट और ब्राह्मण, इसीलिए मेरे ख्याल से सादाबाद सीट पे पहले कभी बीजेपी जीती है नहीं जीती है, तो अभी तो रामवीर आके लड़े, पहले मैं लोकदल मेरे ख्याल से जीतती थी, सपा सपा पहले लोकदल था, बसपा में तो रामवीर पता जीते, एक बार और दिसंबर जीते थे, दो बार जीते नहीं, सबसे ज्यादा सपा और बसपा का ही कब्जा रहा है ना, सबसे ज्यादा लोकदल का कब्जा रहा है, विधानसभा में मुस्लिम वोट भी है, जाटा वोट भी है, दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, जाट समाज भी है, ये चार कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा हम पूछ लेते हैं। वैसे तो ये कई लोग कहते हैं भाई ऑफ कैमरा पूछा करो जाति समीकरण, पर हम कहते हैं भाई ये विधानसभा की ये भी सच्चाई होती है, उसी हिसाब से टिकट मिलते हैं, तो गाँव के भाई बंधु बैठे हैं तो जरा समझ लें।
तो ये बातचीत आपने देखी, अनौपचारिक खुली खुली बातचीत, सब ग्रीवेंसेस सुने। तो कई लोग आप में से पूछ रहे हैं कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते हो, बहस क्यों नहीं करते हो। कई दफ़ा क्या होता है कि गांव वालों से आप कुछ चीज़ों का जिक्र करो, उनको बताने दो और उनकी जो मानसिक बनावट है वो समझने की आप कोशिश करो। अब इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। लल्लन टॉप यूपी पे आपको इस तरह के खूब वीडियो देखेंगे। और आयुषी मुझे तो कई बार ये बातचीत ट्रेन पटरी बगल में ही है, मुझे तो कई बार लगता है कि इतनी ज़रूरी बातचीत है कि कोई ग्राम समाज की संरचना, पंचायत के स्तर का भ्रष्टाचार और ये जंगली पशुओं की समस्या, ये सब समझना चाहे तो इस तरह की वीडियो, तो आयुष जी आपको विचार करना चाहिए कि ये लल्लन टॉप पे भी इस तरह के वीडियो बीच बीच में जाते रहें। तो ये हमारी बातचीत है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आगे और किन किन चीज़ों पर गाँव के शहर के किन पहलुओं पर हमें गौर करना चाहिए। आयुष जी ने बिजली भी बंद कर दी। चलिए टाटा।